हाय गाइस, आज हम पर्यायवाची के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे। जैसे हम पानी के पर्यायवाची को अगर देखें तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है? नीर होता है, तोय होता है, अम्ब होता है, जल होता है, सलील होता है। देखिए यहाँ अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मतलब क्या कि ये वर्ड जो है ये परीक्षा में बार बार पूछ रहा है, ठीक है? तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। बारी होता है, पानी होता है, उद होता है। देखिए उद भी अंडरलाइन है, तो ये भी शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछता है। पय है, यहाँ भी अंडरलाइन है। जीवन है, आभ है, मेघ पुष्प है, सारंग है, पाथ है, सर्वमुख है, ठीक है? तो ये पानी के पर्यायवाची हैं जो इसमें अंडरलाइन है। आप इसको ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन वर्ड को, ये परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे हमको कमल का पर्यायवाची याद करना है, तो कमल का पर्यायवाची याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी के जितने पर्यायवाची आपके हैं, ठीक है, पानी के पर्यायवाची में अगर अंत में हम ज लगा दें, ठीक है ना, पानी के पर्यायवाची के अंत में यदि हम ज लगा दें तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? वो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। अब क्या है, इससे अलग क्या है जहां हम ज नहीं देखते और जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है? जैसे देखिए क्या है, इंद्रिवर है, ये जो विशेष लिखा गया अलग ना, ये विशेष है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है। जैसे इंद्रिवर है, राजीव है, ताम्रस है, सरसिज है, सत्तल है, ननिल है, तो इन शब्दों पे विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पानी के पर्यायवाची वाले शब्दों के अंत में ज लगाएंगे तो हमें कमल का पर्यायवाची मिल जाएगा, पहला तो ये। और कुछ विशेष शब्द आपको अलग से मिल रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे इंद्रिवर है, राजीव है, ताम्रस है, सरसिज है, सत्तल है, नलिन है, ठीक है? तो इनको भी ध्यान रखेंगे। अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र क्या है, आपको पानी का ही पर्यायवाची याद रखना है। पानी के पर्यायवाची में आप लास्ट में अंत में धी लगा दीजिए, जैसे आप प्रत्यय लगाते हैं ना, उसी तरह लास्ट में धी लगा दीजिए, तो वो किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। जैसे क्या है, जलनिधि है, ठीक है? तो पानी के पर्यायवाची में जब आप अंत में धी लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अब अलग से वर्ड जो परीक्षाओं में बार बार पूछ रहा है वो क्या है, जलधाम है। देखिए यहाँ अंडरलाइन है, वारिस, वारिस बार बार पूछता है, अर्णव है, रत्नाकर है, पारावर है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अगर पानी का जो पर्यायवाची है अगर उसके अंत में धी लगा है तो वो शब्द किसके हो जाएंगे, समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। और कुछ अलग से आपको शब्द मिल रहे हैं, जलधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर, पारावर। देखिए पर्यायवाची शब्द बहुत कुछ तो हम अपने से भी जानते हैं, हमें पता रहता है कि ये किसका पर्यायवाची है, ठीक है? तो हमें विशेष उन शब्दों को लेना है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है? और जो थोड़ा सा हमें जानकारी से हमारे बाहर है, तो ऐसे शब्दों को आप याद रखिए। यहाँ समुद्र में देख रहे हैं, वारिस, अर्णव और पारावार, ठीक है? ये तीन शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है। और ये क्या है, ये थोड़ा सा नॉर्मल शब्दों में नहीं आता, जो दिनचर्या में हमारे चलते रहते हैं। अब अगर हम बादल की पर्यायवाची ले लें तो बादल के पर्यायवाची में क्या करना है, आपको पानी के पर्यायवाची के अंत में द लगा दीजिए तो बादल का पर्यायवाची हो गया। पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में द लगा देंगे तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अलग क्या है, जैसे मेघ है, घन है, ठीक है, अभ्र, अभ्र पूछता है परीक्षाओं में बार बार पूछता है, पर्जन्य पूछता है, बिडोलक पूछता है। बिडोलक आपसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया, क्या पूछा गया है, बिडोलक आपसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है? आप अपने मन से भी बादल के कुछ पर्यायवाची याद रखेंगे, लेकिन इन शब्दों को विशेष याद रखेंगे। बहुत सारे शब्द तो आपको मिल जाएंगे जिनके लास्ट में द लगा होगा, वो पानी के पर्यायवाची होंगे, ठीक है? और अलग से जो शब्द बनेंगे वो मेघ बनेंगे, घन बनेंगे, अभ्रक बनेगा, पर्जन्य है, बिडोलक है। ये तीन जो अभ्र, पर्जन्य और बिडोलक, बिडोलक को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये बादल का पर्यायवाची है, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो कामदेव को लेंगे। कामदेव का पर्यायवाची हमने आपको लिखवाया भी है, और कामदेव के पर्यायवाची अलग से कुछ पर्यायवाची जैसे जो परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उन पर्यायवाचियों को देखेंगे तो वो क्या है, मकराध्वज है। क्या है, मकराध्वज। मैन, मैन शब्द है, मार है, निरूप है, पंचसर है, अनग है, कुसुमेशु, क्या है, कुसुमेशु, प्रदुम्न, समर, ठीक है? ये कुछ विशेष शब्द हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल पर्यायवाची शब्दों में नहीं दिया जाता है, ठीक है? वहां से इनको परीक्षाओं में आपके
पीसीएस के या यूपीएससी की परीक्षाओं में उठाया जाता है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे क्या है, कामदेव का मकराध्वज, मैं, मार, निरूप, पंचसर, अनक, कुसमेश, प्रदुम्न, समन, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे और प्रवाची के आपको नोट्स भेजे गए थे, आप वहाँ से प्रवाची बहुत सारे शब्द नोट किए ही होंगे। आइए अगर हम इंद्र की बात करें, ठीक है, तो इंद्र का भी प्रवाची आपको भेजा गया है, उसमें कुछ विशेष शब्द जिन पे आपको विशेष नज़र रखनी, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इंद्र के प्रवाची में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द क्या बनते हैं, कौशिक, क्या बनता है, कौशिक, ये क्या है, नपुंसकेश, क्या बनेगा, नपुंसकेश, किन्नर राज, सचिपति, सचिनाथ, बिडौजा, देखिए बिडौजा, जैसे आपने बादल के प्रवाची में बिडोलक को देखा, उसी तरह इंद्र के प्रवाची में बिडौजा को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बिडौजा आपसे बार बार पूछता है, क्या पूछता है, बिडौजा शब्द जो है वो आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, तो इसको आप याद रखेंगे, किसको, बिडौजा को, बिडौजा आपसे पूछेगा, मधवा पूछ देता है, ठीक है ना, बिडौजा और मधवा, इसको ध्यान रखिएगा, कौशिक भी है, ठीक है। तो ये शब्द बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, इनको जरा याद रखिएगा, ठीक है ना। लक्ष्मी का प्रवाची अगर हम देखें, तो लक्ष्मी की प्रवाची आपको जो नोट्स भेजे गए हैं उसमें भेजा गया है, और उसमें बताया गया है कि लक्ष्मी का प्रवाची क्या होता है, और आपको पता भी होगा, ठीक है, जो विशेष शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार लक्ष्मी के प्रवाची से पूछे जाते हैं, वो है प्रिया, मोहिनी, सर्वेश्वरी और भार्गवी, क्या है, प्रिया, मोहिनी, सर्वेश्वरी और भार्गवी, ये शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे विष्णु के प्रवाची को, किसके प्रवाची को देखेंगे, विष्णु के प्रवाची को। तो लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी के जो प्रवाची शब्द हैं उनके साथ पति जोड़ दीजिए या कांत जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, लक्ष्मी के प्रवाची के साथ यदि पति जोड़ देंगे या कांत जोड़ देंगे तो वो किसका प्रवाची हो जाएगा, विष्णु का प्रवाची हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, लक्ष्मी के प्रवाची के साथ पति या कांत जोड़ेंगे तो वो विष्णु का प्रवाची हो जाएगा, ओके। अलग जो परीक्षाओं में विष्णु से बनने वाले प्रवाची शब्द हैं वो क्या हैं, वैकुंठ स्वामी, क्या है, वैकुंठ स्वामी, उसके बाद क्या है, गोविंद, गरुण ध्वज, गरुण ध्वज बार बार पूछता है, अच्युत पूछता है बार बार आपसे, तो अच्युत को आप ध्यान रखेंगे, मुकुंद है, मुकुंद को याद रखेंगे, ओम मंगलम है, ऋषिकेश है, तो ये जो कुछ विशेष शब्द हैं आपसे जो विष्णु के प्रवाची में अलग से पूछे जाते हैं, जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम पार्वती की बात करें, तो पार्वती का प्रवाची आपके नोट्स में भेजा गया था, आप वहाँ से नोट्स से नोट करेंगे, जो विशेष शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं वो है उमा, शक्तिजा, शक्तिदायिनी, अपर्णा, अपर्णा को विशेष ध्यान रखिएगा आप, क्या है, अपर्णा, ठीक है, अपर्णा, शक्तिजा, ठीक है, ये दो शब्द आप विशेष ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शिव की बात करें, तो पार्वती के साथ पति या कांत जोड़ दीजिए तो शिव का प्रवाची हो जाएगा, ठीक है। अलग से जो शब्द बनते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो है योगेश, हर, मदनारी, मदनारी को याद रखिएगा, अस्मरारी, अस्मरारी को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, शिव के प्रवाची हो गए। हम बात करें दुर्गा की, तो दुर्गा की बात करेंगे, तो दुर्गा का भी प्रवाची आपके नोट्स में भेजा गया था, कुछ विशेष शब्द जो दुर्गा के प्रवाची में बार बार पूछे जाते हैं, क्या है, अजा है, क्या है, अजा है, अभया है, ठीक है, सांभवी है, सुभद्रा है, ठीक है, क्या, अजा, अभया, सांभवी और सुभद्रा, ये विशेष शब्द हैं जो वहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सरस्वती की बात करें, तो सरस्वती के प्रवाची में क्या है, जो विशेष शब्द हैं सरस्वती के प्रवाची भी आपको नॉर्मल से आते ही हैं, शारदा होता है, ठीक है, आप देखेंगे जो विशेष शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं, इला होता है, ब्राह्मी होता है, गिरा होता है, निधात्री होता है, बागेश्वरी होता है,
भाषा होता है ये सरस्वती के प्रवाची हैं। किसके प्रवाची हैं? सरस्वती के, जो विशेष शब्द बनते हैं जहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या बनेगा? इला बनेगा, ब्राह्मी बनेगा, गीरा बनेगा, निधात्री बनेगा, बागेश्वरी बनेगा, भाषा बनेगा। ठीक है, बाकी नोट से अभी आप अपना प्रवाची तैयार करते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ विशेष शब्द आपको बताए जा रहे हैं प्रवाची के, जो आपके यूपीएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे जब गंगा को ले लें, तो गंगा में क्या है? नदीश्वरी है। नदीश्वरी क्यों? क्योंकि गंगा को नदियों की जननी माना गया। ठीक है ना, सबसे पवित्र गंगा है, इसीलिए इनको माता स्वरूप माना गया, इसीलिए इन्हें नदीश्वरी कहा जाता है। अलकनंदा, अलकनंदा गंगा का नाम है। जटाधारी, ठीक है, विष्णुपति, ये विष्णुपति को ध्यान रखिएगा, जाह्नवी को ध्यान में रखिएगा। ये ऐसे शब्द हैं जो जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी गंगा के प्रवाची आपको बहुत सारे शब्द याद भी होंगे और बहुत सारे शब्द आपके नोट्स, प्रवाची नोट्स में भेजे भी गए थे। यमुना को ले लें, तो यमुना में विशेष जो बनने वाले शब्द होते हैं वो क्या बनते हैं? कृष्णा, जानते हैं ना, कृष्णा, कृष्ण भगवान यमुना में नहाते थे, उनके नाम पर कृष्णा। आर्कजा, आर्कजा बार बार पूछता है परीक्षा में। कालगंगा, इसको भी पूछता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बात करें हम सूर्य की, तो सूर्य के विशेष प्रवाची शब्दों में क्या आता है? पतंग आता है। अक्र को याद रखिएगा, क्या आता है? अक्र। कमल बंधु, बार बार आप विचलित होंगे, कमल बंधु आएगा तो आप सोचेंगे कि विष्णु का है, नहीं, ये सूर्य का प्रवाची है। ठीक है, चंडासु शब्द है। ठीक है, ये भी सूर्य का प्रवाची है। दिनेश है, हंस है। ठीक है, हंस बार बार परीक्षाओं में पूछता है, तो इन शब्दों को आप याद रखिएगा। ये आपके यूपीएससी यानी यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षा के अकॉर्डिंग प्रवाची शब्दों के कुछ विशेष शब्द बताए गए हैं। ठीक है, नोट्स से आप प्रवाची के नोट्स भेजे गए थे, वहाँ से भी आप प्रवाची शब्द नोट्स कर लीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो ग्रुप में जिनके पास है वो फिर से प्रवाची का नोट्स ग्रुप में डाल दें। धन्यवाद।